मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। गुड गवर्नेंस, सुशासन, इसके आधार पर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, 25 दिसंबर 2014 जिसको हमने पहला सुशासन दिवस के नाते से कहा था और टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर चीजों को बढ़ाने का जो क्रम उस समय शुरू किया था, लगातार उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी इसमें 3 ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं वो जिनको लॉन्च किया है वो आपके सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैटबॉट का ये जो एक सोल्यूशन ये दिया गया है। और हमको जैसे पता है कि परिवार पहचान पत्र भी अपने आप में एक यूनिक ऐसी एक चीज जो हमने तैयार की है, जिसका लाभ प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट, स्वाभाविक है कि उसके अंदर प्रारंभिक कुछ जिसको कहना चाहिए कि एक निटी ग्रिटीज ऐसी होती हैं, जो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं उनको हमने लगातार ठीक किया है, चाहे उसमें राशन कार्ड की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे चराई योजना की हो, इनकम की हो, वो उस पर्याप्त संख्या में हमने ठीक किया है। क्योंकि अभी एक ऐसा फ्रेंडली एक पोर्टल बनना चाहिए जिससे किसी भी आदमी को कोई भी जानकारी अपनी लेनी है तो कहीं भी वो ले सकता है अपने मोबाइल से उसको खोल करके, और चैटबॉट का जैसे सिस्टम होता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज, ये जो सारे सिस्टम होते हैं ताकि हमारे बोलने से ही और वो उसकी आवाज को पहचान ले और पहचानने के बाद उसका उत्तर वहां से मिले, उत्तर भी देंगे ताऊ जी, तो उत्तर जो है हमको मिले। अब इसमें एकदम ये तो नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि धीरे धीरे उस सिस्टम को अडेप्टिव होना पड़ता है, जिस आदमी को बोलना है उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज उसको। और ये सामान्यतः एक बार जो व्यक्ति अपना चैटबॉक्स खोलेगा और वही व्यक्ति बार बार पूछेगा तो उसके उत्तर ठीक आएंगे, लेकिन अगर एक ही चैटबॉक्स को मुझे लगता है अगर अलग अलग व्यक्ति जाकर पूछेंगे तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम कई बार आती है। अब ये प्रारंभिक चरण है, जो भी चीजें इसमें होंगी हमारे टेक्निकल लोग इस पर लगातार नजर रखेंगे, लेकिन अच्छा फ्रेंडली एक विषय जहां भी कई आदमी होता है अपने मोबाइल को साथ लेके रखता है, चाहे वो खेत में जाए, ऑफिस में जाए, घर में बैठे पढ़ने जाए, सैर करते हुए भी अपनी जानकारियां ले सकता है, चैटबॉक्स का एक ही इस प्रकार से हमने सोल्यूशन दिया है और मैं समझता हूं जनता को बहुत इसका लाभ होगा। और जितने उसके प्रश्न होंगे, चाहे उसके जाति के हैं, आय के हैं, व्यवसाय के हैं, जन्मतिथि के हैं, ये सब जो उसको, चाहे उसका फिर आय के साथ उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन कार्ड हो, फिर उसकी चाहे जो भी कोई प्रश्न है वो सारा जो सूचना डाटाबेस हमारे पास जो कोष बना है उस कोष में से उसको ये उत्तर त्वरित और स्टीक रूप से ये सब मिलेगा। दूसरा जो हमने प्रोएक्टिव एक पोर्टल बनाया है वो दिव्यांग सेवा, दिव्यांग की पेंशन, ये सेवा। और इस सेवा में अभी तक दिव्यांग को पेंशन बनाने में काफी कठिनाई आती थी, आयु के हिसाब से तो 60 वर्ष की आयु एक गणना के हिसाब से ऑटोमेटिकली व्यक्ति की गणना हो जाती है, लेकिन इसमें शर्त है कि 60% उसका दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे ही 60% दिव्यांगता का सर्टिफिकेट डॉक्टर से वो प्राप्त करेगा, उसको अपलोड करेगा, अपलोड करते ही प्रोएक्टिवली उसकी पेंशन जो है वो घर बैठे बनेगी, इसमें कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। और जो तीसरा एक पोर्टल है वो हमारे यानी जो जितने भी रेस्ट हाउसेज हैं, चाहे वो दिल्ली का हरियाणा भवन है, चाहे फिर हमारा गुड़गांव का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, या पंचकुला का पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, और जितने हरियाणा के लगभग ये 45 के आसपास रेस्ट हाउसेज हैं, इसमें शिमला का बेनवर भी है, मसूरी का रेस्ट हाउस वो भी इसमें जोड़ा है, मेरे ख्याल प्रदेश के बाहर के तो 2 ही है इसमें, तो उन सबको जोड़ करके और जो भी व्यक्ति बुकिंग करना चाहता है उसमें एंटाइटल्ड, जिनकी एंटाइटलमेंट है, अधिकारी हैं या राजनीतिक जो लोग हैं, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, वो सब कर ही सकते हैं, अधिकारी भी कर सकते हैं, इसमें पत्रकारों को भी जिनको उसकी एंटाइटलमेंट होगी वो भी उसमें अपनी बुकिंग हिसाब से कर सकेंगे। बुकिंग प्राइवेट लोग भी कर सकेंगे, लेकिन उसका एक सिस्टम बनाया है कि 15 दिन पहले उसके लिए प्राइवेट बुकिंग के लिए जो कमरे निर्धारित किए गए हैं उतने वो कर सकते हैं। 7 दिन, 15 दिन से 7 दिन जब रह जाएंगे तो उन कमरों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी, यदि वो आधे कमरे उनके लिए हैं, आधे कमरे जो एंटाइटल्ड लोग हैं उनके लिए, लेकिन एंटाइटल्ड लोग अगर बुकिंग नहीं कर पाते हैं फिर भी कमरे बचते हैं तो और कमरे फिर 7 दिन तक उसको 75% कमरे बुकिंग करने का भी एक सिस्टम बनाया है। हरियाणा निवास में, क्योंकि हरियाणा भवन में 20 कमरे ऐसे आखिर तक हम निश्चित करके रखेंगे, क्योंकि वहां
सामान्य अधिकारियों को अपनी मीटिंग्स होती हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको जाना होता है, तो 20 कमरे आखिर तक उनके लिए उपलब्ध रहेंगे कि वो जाकर के कर सके। प्राइवेट आदमियों के लिए भी जो चार्जेज हैं वो जो सामान्यतया होटल के चार्जेज हैं उससे कम रखे हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिल्ली के हरियाणा भवन के 2000 रुपया रखा है, गुरुग्राम का 1000 रुपया रखा है, पंचकुला नहीं, गुरुग्राम का 1500 रुपया है, पंचकुला का 1000 रुपया है, और ऐसे ही बैनमोर और मसूरी, उसमें जो वीआईपी सूट भी एक वहां है तो वीआईपी सूट भी बुकिंग करा सकेंगे। बाकी जगह पर वीआईपी सूट नहीं करा पाएंगे, लेकिन वहां वीआईपी सूट, क्योंकि हमारे वैसे कोई जाना बहुत किसी का होता भी नहीं है, तो उसको भी कोई कराना चाहता तो 3000 रुपया पर डे के हिसाब से उसको वीआईपी करा सकते हैं, और सामान्य कमरे जो है वो 2000 जैसा दिल्ली का रेट है वो उनके लिए 2000 रुपया रहेगा। जो एंटाइटल लोग हैं उनके रेट अलग अलग पहले से हैं, वो जिनके एंटाइटलमेंट है उनको नाम मात्र नॉमिनल सा उसका एक पैसा होता है उनको देना पड़ेगा, ताकि वहां के जो सामान्य खर्चे हैं बिजली का या कोई और छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो व्यक्ति एंटाइटलमेंट होने के बाद भी उनसे वो लिया जा सकता है। और इसकी बुकिंग ऑनलाइन पेमेंट यानी गेटवे आईडीबीआई बैंक के साथ उसको जोड़ा गया है, ताकि वो पेमेंट उसी समय बुक कराते समय वो करवा सकते हैं। रिफंड भी लेना हो तो 24 घंटे पहले, बुकिंग का जो दिन है उससे 24 घंटे पहले करवाना चाहें तो 20% की राशि कटवा करके वो पैसा वापस मिलेगा, लेकिन अगर केवल विद इन 24 घंटे आखिर में उसमें कोई राशि रिफंड नहीं होगी। तो इस प्रकार की ये कुल मिलाकर एक फैसिलिटी दी गई है और प्रारंभ किया है। हो सकता है कि हमें महीना दो महीने बाद इसमें से कुछ कठिनाइयां ध्यान में आएंगी, तो फिर हम सभी जो जनप्रतिनिधि अथवा अधिकारी बैठ करके विचार करेंगे, कुछ चेंजेस करनी होगी तो उस चेंजेस को भी हम कर सकेंगे। ये भी एक विषय आपके ध्यान में इसको लाना था। तो मोटे रूप से आज जो ये तीन पोर्टल बनाए गए हैं, जो लॉन्च किए गए हैं, इन तीनों का एक लाभ अपने को मिलेगा। परिवार पहचान पत्र की जो बात है उसमें निश्चित रूप से एक बात यहां जरूर जोड़ना चाहूंगा, हमने इसको परिवार पहचान पत्र कहा तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए है पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कोई सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं तो हम जनता को किस तरीके से, कोशिश करते हैं तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना भड़काना और उनको उकसाना ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहां तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को, तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हमको ये बताएंगे। तो इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं, पोर्टल से बहुत परेशानियां हैं, वो हर बार कहते हैं कि हर चीज पोर्टल पोर्टल, और पोर्टल की स्थिति ये है कि उनको अगर पूछा जाए कि कोई एक पोर्टल आपने जनता हित में कभी खोला है क्या, तो मैं देख रहा था कि ग्राम दर्शन पोर्टल जिसकी जो एक्सेस है हमने सभी विधायकों को दी है, तो किसी विधायक ने 50 बार, किसी ने 60 बार, किसी ने 100 बार ऐसे खोले हुए हैं, और हमारे नेता प्रतिनिधि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पोर्टल को पिछले 3 साल में मात्र 2 बार खोला है। तो जो अपनी जनता की डिमांड्स को उसमें रिकमेंड करने के लिए इतने लापरवाह हैं तो उनको पोर्टल से तो परेशानी होनी ही होनी है। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से जनता तक सीधे कैसे पहुंचे हैं, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो सीएम विंडो है, और अब हमने एक जनसंवाद पोर्टल और जो बनाया है।